दोस्तों एप्पल के ट्रैकिंग डिवाइस की आप बुराई करो या अच्छाई करो, लेकिन वो अपना काम बखूबी निभाते हैं। कई लोग इसकी बुराई कर देते हैं ना, क्योंकि इससे ट्रैक कर लेते हैं, कार पे चिपका देते हैं तो भैया कार का पता लगता रहता है, कार कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, तो कई लोग इसका भी फायदा उठा लेते हैं, तो वो मिसयूज़ कर रहे हैं एक तरीके से। लेकिन अगर इसको सही तरीके से यूज़ किया जाए तो भैया क्या काम कर देता है। यूएस के अंदर एक $35,000 की चोरी हुई थी, यानी कि इंडियन करेंसी में 28 लाख रुपये की चोरी हुई थी सिर्फ एक रात के ही अंदर। ये एक सीरियल चोर था 52 साल का, जो कि जगह जगह पर जाके चोरी कर रहा था और पूरी कलेक्शन बना के निकल ही रहा था, लेकिन इसकी ट्रैकिंग कर रहा था वो एयर टैग जो कि एक टेडी बियर के अंदर था, जिसकी भी इसने चोरी कर ली थी। अगर ये उसकी चोरी ना करता तो ये पूरी चोरी सक्सेसफुल रहती। पता नहीं कितने का होगा, जैसे $10-$20 का टेडी बियर होगा, उसको भी चुरा के ले गया जो इस पर भारी पड़ गया, क्योंकि उसके अंदर एयर टैग लगा हुआ था। और उसके बाद में होना क्या था, इसको पकड़ लिया पुलिस ने और उसके बाद में इसकी बारात निकालते हुए ले गए। दोस्तों यूएस के अंदर एक ऐसी सर्जरी हुई है जिसके बारे में शायद आपने सुना भी ना हो। दरअसल एक चिप इम्प्लांट की गई है एक पैरालाइज बंदे के ब्रेन के अंदर, जी हाँ, न्यूरोलिंक जैसा ही आपको लगेगा, लेकिन न्यूरोलिंक वाला उतना सक्सेसफुल नहीं है, ये वाला सक्सेसफुल रहा है, जिसके अंदर एक बंदे की मूवमेंट चली गई थी हाथ की, क्योंकि उसका 2020 में एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उनकी नेक बोन टूट गई थी, स्पाइनल कोर्ड में भी दिक्कत आ गई थी, जिसकी वजह से जो कनेक्शन था ब्रेन के सिग्नल का हाथों का वो चला गया था। और इनको अब वो सिग्नल वापस से रीगेन करवाए गए हैं ब्रेन में चिप इम्प्लांट करके, और उसकी वजह से इनका जो हाथों का सेंसेशन चला गया था और जो मूवमेंट चली गई थी वो वापस आ चुकी है। यहाँ पर 3 चिप लगाई गई हैं ब्रेन के ऊपर, 2 और उसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड के भी पास में लगाई गई है, जहां से सिग्नल ट्रैवल कर सके। और इस सर्जरी के अंदर करीबन 15 घंटे लगे हैं, लेकिन सक्सेसफुल रही है। और इस सर्जरी को डॉक्टर आशीष मेहता ने किया है, इंडियन नहीं है, यूएस का सिटीजन है। दोस्तों एआई के करियर में कितना ज़्यादा पैसा है ये सुनकर आप हैरान रह जाओगे। नेटफ्लिक्स ने अभी एक जॉब निकाली है जिसके अंदर वो $9 लाख तक की सैलरी दे रहे हैं, यानी कि 7.5 करोड़ रुपए के आसपास में पर ईयर के हिसाब से देंगे। इसके अंदर कैंडिडेट की जॉब एआई फोकस्ड ही रहेगी, उसको मशीन लर्निंग के पोटेंशियल को बढ़ाना है, जो कि नेटफ्लिक्स का है, मतलब एआई काम करता है, उसको और भी ज़्यादा इंक्रीज करना है उसके पोटेंशियल को। और ये बात इन्होंने तब करी जब हॉलीवुड यूनियन स्ट्राइक करे बैठा है कि भैया हमें जॉब नहीं मिल रही है AI की वजह से, इन्होंने कर लो तो फिर AI की जॉब लो। दोस्तों साइबेरिया की जमीन से जो कि बर्फीली थी, मतलब उसको परमाफ्रॉस्ट बोला जाता है, जो सॉइल ग्रेवल और सैंड होता है जब वो जम जाता है तो उसको परमाफ्रॉस्ट बोला जाता है, और उसके अंदर 46,000 साल पुराने वर्म्स मौजूद थे जिनको वापस से जिंदा कर दिया गया। ये माइक्रोस्कोपिक नेमाटोड्स है, राउंड वर्म्स है, जो कि आज की प्रजाति से बिल्कुल ही अलग है, मतलब ऐसी प्रजाति ना कभी देखी थी ना कभी सुनी थी, जो कि आज निकल कर आ रही है 46,000 साल पुराने वक्त से। अब ये जिंदा कैसे हो गए दोबारा से, वो साइंटिस्ट थोड़ा सा हैरान हो चुके हैं कि ये कैसे जिंदा हो गए, ऐसा तो दूसरे वर्म्स के साथ में होता नहीं है। तो अभी इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि कितने डिफरेंट हैं दूसरे आज के वक्त के इन वर्म्स से, और इसी के साथ साथ क्या इनसे हमें ऐसी जानकारी मिल सकती है जो कि हमारे भी सर्वाइवल को लंबा कर सके। दोस्तों व्हाट्सएप के ऊपर कुछ फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है कि गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप के अब कुछ नई गाइडलाइंस निकाल दी गई है, जिसकी वजह से आपके ऊपर अब निगरानी रख सकती है गवर्नमेंट। देखो जब व्हाट्सएप के ऊपर आप किसी को भी मैसेज करते हो तो एक टिक आ जाता है कि आपने मैसेज भेज दिया, 2 टिक आते हैं कि मैसेज डिलीवर हो गया, जब वो ब्लू में अपीयर हो जाते हैं तो मतलब कि आपका मैसेज सामने वाले ने रीड कर लिया। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि भैया जब 3 ब्लू टिक आ जाएंगे तो मतलब कि गवर्नमेंट ने आपके मैसेज को नोट कर लिया है, और जब 2 ब्लू टिक हो और 1 रेड टिक हो तो मतलब कि गवर्नमेंट आप पे एक्शन ले सकती है, और जब 1 ब्लू टिक और 2 रेड टिक हो कि मतलब कि गवर्नमेंट आपके डेटा की स्क्रीनिंग कर रही है, और 3 रेड टिक हो तो मतलब कि गवर्नमेंट अब आपके ऊपर एक्शन लेने वाली है। तो ये एक नए तरीके का स्कैम है, मतलब खुद ही से ब्लू टिक मैसेज में भेज देंगे ये स्कैमर और आपको डरा के आपसे पैसे ले सकते हैं। तो इस तरीके का भी एक नया स्कैम चल रहा है इन फेक न्यूज़ को फैलाने के बाद में। दोस्तों चाइना के फ्यूजियन प्रोविंस का एक बंदा 10 घंटे तैर कर ताइवान किसी तरीके से पहुँचता है, जहाँ पर पहुंचने से पहले ही मधुमक्खियां उस पर हमला कर देती हैं, जिसके बाद में वो तुरंत ही सरेंडर कर देता है। दरअसल कई सारे टूरिस्ट इसको देख लेते हैं, वो भी इसकी कंप्लेंट कर देते हैं, इसके हाथ में कई सारा ड्राई फ्रूट्स होता है, क्लोथ्स होता है, मेडिसिन होता है, ये सारी चीज़ें कैरी करके तैरना शुरू करता है। और किसी तरीके से ताइवान पहुँचने के बाद में इसको पकड़ लिया जाता है कि ये इलीगल चाइनीज़ इमिग्रेंट है, जो कि अलग ही सोच के मतलब आ गया यहाँ पर तैरता हुआ कि मैं आज़ादी दिलाऊँगा। मतलब कौन सी आज़ादी दिलाएगा, किस आज़ादी की बात कर रहा है, ये अलग कंट्री है भाई ताइवान है, तू इलीगल चाइनीज इमिग्रेंट है, चल उठक बैठक लगा।